ओके गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अनबॉक्सिंग। सो आप सभी वेट कर रहे होंगे कि व्हाट आई एम गोइंग टू शो इन दिस बॉक्स। सो ये है एक ऑडियो इंटरफेस, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, और इसको मैंने एमेजोन से किया है रिसीव। इसकी जो सील थी मैंने ऑलरेडी कट कर दी है, सो आई एम नॉट गोइंग टू कट इट अगेन, बट आई थिंक आई नीड टू थोड़ा सा ओके, आई थिंक ये ऐसे ही निकल आएगा। सो देयर यू गो, इसको मैं डर रख दूंगा साइड में। सो हम बात कर रहे हैं बेहरिंगर के यू-फोरिया UM2 ऑडियो इंटरफेस की। बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है, बहुत ही छोटा सा है, और इसके कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो इसको हम क्विकली करेंगे ओपन। यहाँ पर एक छोटी सी सील है, तो इसको मैं तो नेल से ही कट कर दूंगा इसको। ओके सो इसको करेंगे ओपन, और यू आर सीइंग इट लाइव। सो यहाँ पर देख सकते हैं एज इज जो डॉक्यूमेंटेशन हर किसी प्रोडक्ट के साथ आती है, यह इसके साथ डॉक्यूमेंट। बेहरिंगर का एक ऑफिशियल लोगो आया है, जो कि मैंने अपने पुराना वाला यूज़ किया था अपने लैपटॉप पर। इसमें आपको हर तरह की लैंग्वेज में इसका जो कंट्रोल्स हैं, जो भी इसके स्पेसिफिकेशन हैं, वो हर लैंग्वेज आपको मिल जाएंगी। सो आई थिंक इसकी जरूरत हमें फिलहाल नहीं है, सो आई पुट इट असाइड। इसको निकाल लेंगे यहाँ से, एंड ये डब्बा भी हमारे किसी काम का नहीं है अभी। ओके सो बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है, अच्छे से पैक किया है इन्होंने, आप देख सकते हैं, मतलब पूरी प्रोटेक्शन के साथ, यहाँ पे कभी कोई भी डैमेज ना होता कि शिपिंग के अंदर। इसको हटा दीजिए और इसको यहाँ हटा दीजिए। इसमें हटाने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला जो बॉक्स था, इसके साइड में उन्होंने दी है एक इसकी केबल, जो कि है USB, ये आपकी MIDI टू USB है। तो एक केबल कनेक्ट होगी इसके अंदर और एक केबल कनेक्ट होगी मेरे लैपटॉप के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी केबल है ना, उसको देख सकते हैं, ये फुली रैप्ड है, मैंने ओपन नहीं किया है अभी तक, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर दिस। सो लेट मी ओपन इट नाउ, एंड यप, ये तो फ्रेंड्स ये है ऑडियो इंटरफेस बेहरिंगर का। बिल्ड क्वालिटी बहुत मैं बहुत अच्छी नहीं कह सकता, बहुत बट बहुत ऐसी भी नहीं है कि बहुत कमज़ोर हो, आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ट्रैवल में भी आपके काम आ सकती है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं डैमेज हो सकता है। तो जैसे मैंने कुछ वीडियोज़ में रिव्यूज़ देखे थे कि प्लास्टिक अच्छी नहीं है, प्लास्टिक इज़ अ गुड क्वालिटी मेरे हिसाब से, इस प्राइस में आपको इससे बेटर क्वालिटी शायद ना मिले, ठीक है। इसके कंट्रोल्स एक बार देख लें, इसके ऊपर क्या क्या है। यहाँ पर 3 नॉब्स दिए हुए हैं ऊपर, और ये कम्प्लीटली फिक्स हैं, तो देख सकते हैं ये कहीं से लूज़ नहीं है, ये हिल नहीं रहे हैं। जैसा कि एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बनाया था, उन्होंने दिखाया था कि लूज़ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये परफेक्टली फाइन है, और इसी तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम शुरू करते हैं यहाँ से, बैक साइड से। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 48 वोल्ट का फैंटम पावर के लिए ऑप्शन, अगर आप कंडेंसर माइक्रोफोन यूज़ करते हैं। ये सिक्योरिटी के लिए होता है, सिक्योरिटी लॉक, अगर आप इसको अपने डेस्क पर लॉक करना चाहते हैं। उसके बाद हमारा ये है पोर्ट, जहाँ पर हमारा मिडी वाला जो USB केबल मैंने आपको दिखाई है, उसका एक सिरा यहाँ पर कनेक्ट होगा। ये आपका स्टीरियो आउटपुट के लिए है, अगर आप इसे किसी मिक्सर से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप इसका जो आउटपुट है वो किसी एम्पलीफायर के अंदर देना चाहते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद इस फ्रंट साइड पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका, ये है आपका कंडेंसर माइक्रोफोन के लिए, एज वेल एज दिस इज फॉर द 6.5, आई थिंक 6.5 mm जैक के लिए भी। मैंने कहीं पर इसके रिव्यूज पढ़े थे कि यहाँ पर ये डुअल जैक है, सो कंडेंसर माइक्रोफोन इज एब्सोल्युटली फाइन, आई कैन सी इट, आई कैन कनेक्ट अ कंडेंसर माइक्रोफोन, बट मुझे अदर जो दूसरी वाली चीज़ है वो मुझे चेक करनी पड़ेगी कि इस वाले पोर्ट में क्या मैं कुछ दूसरा माइक जो है नॉर्मल क्वार्टर टू 6.5 वाला जो कनेक्टर आता है उसके थ्रू मैं इसको कनेक्ट कर पाऊंगा, दैट आई विल चेक एंड लेट यू नो। ओके उसके बाद यहाँ पर हमारे लिए ऑप्शन है, आप एक इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक गिटार, बेस गिटार, और कोई भी कोस्टिक अगर आपके पास है, सो यू कैन कनेक्ट योर माइक्रोफोन हियर, देन गिटार, एंड यू कैन रिकॉर्ड एकोस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये है ऑप्शन आपका डायरेक्ट मॉनिटर का, आप देख सकते हैं छोटा सा बटन है, ये बहुत काम की चीज़ है, बिलीव मी, क्योंकि मेरे पास दूसरे एक ऑडियो कार्ड ऑडियो इंटरफेस है जिसको मैं अपने आईपैड पर यूज़ करता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स विच यू कैन गेट। इसकी खासियत ये है कि आप इसको डायरेक्ट, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो जो भी आप प्ले करेंगे, ठीक है, गिटार पे या सिंगिंग पे,
यू विल इमिडिएटली हियर इट बैक इन योर हेडफोन्स. आपको जीरो लेटेंसी के साथ वो जो है वो सुनाई देगा आपकी रिकॉर्डिंग लाइव, ठीक है. बट उसके लिए रिक्वायरमेंट एक छोटी सी ये है कि आपके पास USB 3 का पोर्ट होना चाहिए. तो जो ये केबल है ये USB 3 के केबल तो कोई नहीं आती, बट आपके लैपटॉप के अंदर जो पोर्ट होता है वो USB 3 होना चाहिए, तभी आप जीरो लेटेंसी जो है उसको यूज़ कर पाएंगे. अदरवाइज थोड़ा बहुत मामूली सा, मतलब आप उसको नोटिस भी नहीं कर पाएंगे, इतना थोड़ा बहुत लेटेंसी आप नोटिस कर सकते हैं, ठीक है. और उसके बाद है यहाँ पर एक ये जैक जिससे मैं अपने हेडफोन कनेक्ट करूँगा और उसको डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ मॉनिटर अपने हेडफोन्स के थ्रू. टॉप पर दिए हुए हैं 3 नॉब्स, ठीक है. पहला जो नॉब है आपकी गेन कंट्रोल के लिए है, आप अपने माइक्रोफोन की जो गेन है उसको बढ़ाना चाहते हैं, कितना एडजस्ट करना चाहते हैं, और इसका जो आप इसको किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी गेन कितनी है, उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 लाइटें दी हुई हैं, एक क्लिपिंग की लाइट है और एक आपकी एडजस्टमेंट की लाइट है. तो अगर आप क्लिप करेंगे या ज़्यादा गेन बढ़ा देंगे तो यहाँ पर रेड ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा. ऐसे ही सेकेंड नॉब है, ये आपके इंस्ट्रूमेंट के लिए है, ठीक है. इंस्ट्रूमेंट में अगर आप ज़्यादा उसकी जो गेन है वो बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर क्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, रेड होना स्टार्ट हो जाएगा. तो मेक श्योर कि वो ग्रीन पर रहे तो आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो बहुत बेहतर आएगी. और ये जो तीसरा वाला है ये है आपका आउटपुट, मतलब जो आपको सुनाई देगा आपके ईयरफोन्स के अंदर. तो ये नॉब है, इसके लिए आप उसकी वॉल्यूम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं. सो इसका जो प्राइस मैंने पे किया है अमेजोन पर, दैट इज़ 3860 रुपये जो मैंने इसको परचेज किया है अमेजोन से. लिंक आपको इजीली अमेजोन पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फॉर योर कन्वीनियंस. सो कुल मिला के ये बहुत ही मेरे हिसाब से कॉम्पैक्ट है, इजी टू कैरी है, कहीं भी ले जा सकते हैं. और एट दिस प्राइस दिस इज़ क्वाइट ओके, ठीक है. रिक्वायरमेंट आपकी पूरी कर देगा. तो इसके ऑल्टरनेटिव्स आपको मिल जाएंगे 8,000 में, 10,000 में, 15,000 में. बट आई थिंक फॉर ए बिगिनर, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अकोस्टिक्स रिकॉर्ड करते हैं, या आपका इवन प्रोफेशनल सिंगिंग करते हैं, तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू टू स्टार्ट विथ. अब इसकी मैं बात करता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो आई थिंक किसी वीडियो में शायद नहीं बताई गई है, कि हमने देखा कि हमें ये पैकेट के अंदर मिला ये ऑडियो इंटरफेस, और उसके साथ हमें मिली है कि केबल जो कनेक्ट करेगी USB टू माई लैपटॉप. नाउ व्हाट अबाउट पावर, इसको पावर कहाँ से मिलेगी? तो ये इसका सबसे बेस्ट फीचर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि इसको किसी भी वॉल प्लग पावर की ज़रूरत नहीं है. इट कैन टेक पावर फ्रॉम योर लैपटॉप, ठीक है. तो इसीलिए उन्होंने कोई भी यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी पॉइंट जो है वो पावर के लिए, एडिशनल पावर सप्लाई के लिए नहीं है. तो आपका एक पोर्ट जो है वो बहुत एक पोर्ट कम यूज़ होगा, ठीक है. तो आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए अपने लैपटॉप के साथ एंड यू आर रेडी टू गो. सो एट दिस प्राइस रेंज आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आई कुड गेट. इसका जो रिव्यू है मैं इसे एक दो अपने वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा, देन आई विल लेट यू नो कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है. बट फॉर नाउ दिस दैट्स इट. मेरी तरफ से ये था आपके लिए एक छोटा सा अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू. और अगर आप लोगों के कुछ इसके बारे में कमेंट्स हैं, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, एनीथिंग जो मैंने इसमें कवर नहीं की है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और इसके बाद हम करेंगे इसको स्टार्ट करना यूज़. तो मैं आपको अपने मे बी नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियोस में जब मैं इसकी वॉइस रिकॉर्ड करूंगा इससे, तो मैं आपको इसके सैम्पल्स दिखा दूंगा. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इट वॉज रियली यू नो हेल्पफुल फॉर द पीपल हु आई थिंक इट वॉज रियली हेल्पफुल फॉर द पीपल हु आर नॉट लुकिंग फॉर सम चीप ऑप्शन इन द मार्केट. सो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज और भी लेके आता रहूँगा. सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय.